दोस्तों, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है और आप लोन पे फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आया है मेरे वीडियो पे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे इसका सिमिलर वीडियो नहीं मिलेगा, जिसे आप देख के लोन पे फ़ोन ले सकते हैं बिना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बजाज कार्ड के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सभी चीज़ आपके सामने रियल बताऊँगा, और जो भी बताऊँगा वो 100% वर्क करता है, तभी आपके सामने लाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। कोई भी तकलीफ होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आपके सामने सबसे पहले पहुँचे। साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आ जाना है प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है स्नैपमिंट। देख सकते हैं दोस्तों, स्नैपमिंट आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एप्लीकेशन मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। स्नैपमिंट एप्लीकेशन का आप लोग बहुत सारे ऐड भी देखते होंगे कि यहाँ पे आपको लोन पे सभी चीज़ दिया जाता है। यहाँ से आप फ्लिपकार्ट या अमेजन या मिंत्रा का गिफ्ट वाउचर भी बाय कर सकते हैं लोन पे। जैसे कि आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वहाँ से गिफ्ट वाउचर करके आप खरीद भी सकते हैं, और उस गिफ्ट वाउचर का जो भी प्राइस है उसको आप ईएमआई के थ्रू जमा कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा। इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आई बटन में दे दूँगा। अभी बात रह गया कि इस पर अगर मोबाइल लेना चाहते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या लैपटॉप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। तो यहां से आपको फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा डायरेक्ट, और अमेजन से भी मिल जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो सब डिटेल वीडियो भी बना दिया हूं अपने चैनल पे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इस एप्लीकेशन में अगर आपको लोन पे फ़ोन लेना है तो कैसे लेना है बिना डेबिट कार्ड। ओपन करना है एप्लीकेशन को। आप लोग फर्स्ट टाइम होंगे तो इस पर अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाएंगे तो वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार में रजिस्टर हो, क्योंकि यहाँ पर आधार से ही इसका लिंक हो जाता है मोबाइल नंबर, तभी आपको ये अकाउंट बनेगा और लोन भी प्रोवाइड होगा। वरना आपको दिक्कत होगा तो बाद में आप कहिएगा कि मेरा तो नहीं हुआ। तो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, आजकल सभी के तो मोबाइल में आधार कार्ड भी जुड़ चुका है। और यहाँ पे जैसे ही आधार नंबर आप लॉगिन कर लेंगे आधार से, तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, ओपन होगा। तो अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बता दिया हूँ, पिछले वीडियो में, वो वीडियो आप लोग देखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा, वो वीडियो आप लोग देखिएगा कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है स्नैपमिंट में। तो यहाँ से आप लोग सभी चीज़ कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी बजाज कार्ड या कोई भी ईएमआई कार्ड या कुछ भी, आपके सिविल स्कोर भी जीरो है तो भी यहाँ से फ़ोन मिल जाता है। सिर्फ आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रहना चाहिए और उसी मोबाइल नंबर से आपको इस पर लॉगिन होना चाहिए। तो ये सब कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको जो भी मोबाइल लेना है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे मिल जाता है सभी मोबाइल जो कि 5G है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये मोबाइल आपको 0% ब्याज पे मिलता है, 0% ईएमआई पे। अगर अदर मोबाइल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च में सर्च करके आप मोबाइल का नाम सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो चलिए मैं एक मोबाइल यहाँ पर रियलमी का सर्च कर लेता हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है, Realme C67। ये देखिए, ये मोबाइल है, इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। इसका जो प्राइस है 15,000 रुपया है, और ये 6GB 128GB रैम और स्टोरेज के साथ आता है। तो इसका अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाता है, यानी कि इस पर भी ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन आपको 3 मंथ का ईएमआई बनेगा। अगर उससे ज़्यादा का ईएमआई लेते हैं, 6 महीना या 9 महीना का, तो उस पर कुछ परसेंट ब्याज लगता है। अगर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है तो आप 3 मंथ का ही यहाँ पर आप ईएमआई ले सकते हैं। और इसका जो डाउन पेमेंट होगा वो 2250 रुपया ही होगा। सिर्फ आपको 2250 रुपया देना होगा और आपको ये फ़ोन आपके घर पे आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप इस तरह से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या आपको अगर ज़्यादा ईएमआई चाहिए यानी कि 12 महीने का, तो यहाँ पे सिर्फ 1310 रुपया ही आपको पर महीना जमा करना है और ये फ़ोन आपके सामने आ जाएगा। अगर आप दूसरा फ़ोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन हैं, जैसे मैं रेडमी का एक फ़ोन सर्च कर लेता हूँ। रेडमी का देखिए C13, ये मोबाइल अभी बहुत ही चल रहा है, इसका प्राइस बहुत ही कम है, 5G मोबाइल है, 11,000 का है। अगर इससे ज़्यादा का भी मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो भी मोबाइल ले सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे सर्च कर देना है उस मोबाइल का नाम। यहाँ पे मेरा अप्रूवल लिमिट आप ऊपर में देख सकते हैं, 33,000 रुपया है, यानी कि 33,000 तक का फ़ोन मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ लोन पर। तो ये दोस्तों, अब आपको अगर फ़ोन पसंद आ गया तो उसको बाय कैसे करना है, तो चलिए इसी फ़ोन को मैं क्लिक कर देता हूँ, एक फ़ोन को, तो इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको ये मोबाइल दिख रहा होगा, Realme C53 है, और इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो देख सकते हैं डाउन पेमेंट आप कितना देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे 1500 डाउन पेमेंट देना है और 3 महीने का ईएमआई भरना है, तो 0% यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर 6 महीना का करूँगा तो इस पर 0%
बहुत कम, मिनिमम आपको बहुत से बहुत कम यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाता है। कोई भी अदर या तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या बजाज कार्ड से भी लेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इस पर बहुत ही कम इंटरेस्ट लगता है। तो चलिए मैं यहाँ पे 3000 डाउन पेमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मुझे 2300 का 3 महीना EMI भरना है, यानी कि मेरा मोबाइल ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको buy 1 3 month EMI पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन आएगा फर्स्ट टाइम में। तो यहाँ पर मेरा पहले से ही एड्रेस ऐड है तो यहाँ पे आ चुका है। एड्रेस अगर ऐड नहीं किया है तो एड्रेस ऐड कर दीजिएगा। एड्रेस ऐड करना बहुत ही सिंपल सा है। और डिलीवरी टू एड्रेस पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है अगर आपने एड्रेस ऐड कर लिया है तो। इस तरह से करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए अभी प्लीज़ वेट लिखा गया है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट 3000 अभी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इस फोन पे, अमेजन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी भी तरह से यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देना है। डाउन पेमेंट करने के लिए सिंपल से इस पर क्लिक करना है तो ये डायरेक्ट आपको फ़ोनपे पे ले जाएगा। फ़ोनपे पे अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप लोग डाउन पेमेंट कर दीजिएगा 3000 रुपया का और ये फ़ोन आपको ऑर्डर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से डाउन पेमेंट करना है, आपका मोबाइल ऑर्डर हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे कार्ड डालने की या कोई भी कुछ भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे पेमेंट करना है डाउन पेमेंट। और देखिए इसका EMI 2333 रुपया बन रहा है जो कि मुझे 3 महीना तक ही जमा करना होगा। और यहाँ पे EMI डेट भी बता देगा कि 3 तारीख को। और ये EMI अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ आएंगे, मैं बता देता हूँ EMI कैसे भरना है। तो यहाँ पे आपको ऑटो पे भी नहीं है सिस्टम कि आपको अपने अकाउंट से काट लिया जाएगा, यहाँ पे आपको खुद से ही EMI भरना है 3 तारीख तक में। तो देख सकते हैं माई EMI पे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी ड्यू है 1801 रुपया, जो कि मेरा एक लोन चल रहा है इस पर, पर्सनल लोन, और एक मेरा मिंत्रा का गिफ्ट वाउचर बाय किया था 500 रुपये का वो है, और 1200-1300 का मेरा लोन चल रहा है। तो इसका EMI अभी मुझे 3 तारीख तक भरना होगा। तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको भी अगर EMI आएगा तो इसी तरह से आएगा, इसी तरह से आपको भी EMI भरना है। तो यहाँ से आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे क्लिक करके UPI से कर सकते हैं, वरना डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका EMI नहीं भरूंगा, मेरा अभी 3 तारीख तक टाइम है। इस तरह से आपको अपना EMI भर देना है जो भी मोबाइल आप लेते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, कमेंट बॉक्स भी पढ़ता हूँ अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। तो दोस्तों आपको अगर दिक्कत होता है तो आगे बताइए, अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊँ इसी तरह के वीडियो के लिए। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।